अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं मूली वाली रोटी। तो आज आपसे भी हम शेयर करते हैं। तो पहले हम ये इसको हम इसके पत्ते तोड़ेंगे, ये हम देंगे अपने रैबिट को, वो भी शौक से खाते हैं। तो जो भी यानी कि सब्ज़ी के होता है तो हम उनको दे देते हैं, वो शौक से खा लेते हैं। तो अभी इसको हम कद्दूकश करेंगे, फिर इसकी हम बनाएंगे भुजी सी, फिर रोटियों में लगाएंगे ताकि हमारी रोटियां अच्छी बन जाएं। अगर ऐसे ही हम लगाएंगे ये नहीं करो तो वो फिर निकल आती हैं बाहर। तो ये हम अपने रैबिट को लेकर आते हैं। हमारे रैबिट इधर, एक मिनट बेटी, ये लो आ जाओ, उन पीछे हट जाओ, उड़ गया वो डर जाएंगे। आ जाओ ये खाओ, उड़ गया उनको ऊपर ले जाओ। नहीं वो उनको नहीं लेकर जाना बेटी, उनको भी ये देखें, ये हमारे रैबिट हैं। इधर आओ, पानी इधर कर लेते हैं, आ जाओ आगे। आने दो उनको, चलो ये अब खा लेंगे, ये लो ये सारा खा लो। अब हम ओहो, थोड़ा सा हमने अपने पीकॉक को भी तो देना था, जो देना रैबिट आ जाओ, ये थोड़ा सा उनको देते हैं, हम चेक करते हैं वो भी खाते हैं या नहीं। चलो ऊपर दो फातिमा, आप इधर हट जाओ, मैं देती हूँ उसको। हाँ बेटी हट जाओ, ये लो आप भी चेक करो कैसी है ये खाओ। चलो आप उधर हट जाओ, ये टर्की नहीं आती आगे, पता नहीं इनका डर कब खत्म होना है। आप उधर चलो, ये भी आ जाएंगे आगे। ये भी मुझे लगता है कि ये शौक से खाना पसंद करेंगे, डर बहुत आ गया है। तो अब हम अपने ना ये मूलियां कद्दूकश कर लेते हैं इस तरीके से, जल्दी हो जाएगी। ये हमारी मूली भी रेडी हो चुकी है। मैं भी आ गई हूं। आप नीचे भी आ गई हो? अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है? हाँ ये देखें कितनी जल्दी काम हो गया ये। तो अब इसको हम डालेंगे पतीली में। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे घी और थोड़े से मसाले डाल के इसको हम रख देंगे चूल्हे पे, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। फिर हम इसको लगाएंगे ठंडा करके रोटियों में, फिर रोटी मज़े की बनेगी। और ये धनिया भी मैंने धो लिया, इसको भी हम डाल लेते हैं। तो अब मैं इसको चढ़ाती हूँ चूल्हे पे। तो आज हम अपनी रोटी यहाँ पे बनाएंगे ऊपर, ये तीसरी मंजिल है तो इसके ऊपर आज हम अपना बना रहे हैं। तो आज किचन में से हम इस जगह पर आ गए। तो ये आग जलाई, अब ये इसमें मैंने मूलियाँ भी कद्दूकश करके डाली हैं, धनिया सब्ज़ भी डाला है और सब्ज़ मिर्च भी डाली है। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूँगी और आप इसमें ये मसाले सारे थोड़े थोड़े से डाल के लाएंगे, डाल देंगे। अब इसको हम ड्राई नहीं, चम्मच से थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, फिर हम इसको रख देंगे, ये अपने पानी में खुद ही हो जाएंगी। अभी नीचे हिल रहे हैं थोड़ी देर तक, ये हो जाएगी नीचे, फिर ये हिलना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कर देते हैं बंद। दो फातिमा आज आप काम नहीं कर रही ना अपना? करती हूँ थोड़ी देर। अच्छा, तो वो देखें रैबिट हमारे
वो सारा वो खा लिया इन्होंने जो मैंने डाला था, अब ये जो छिलके डाले हैं मुझे लग रहा है इनका पेट भर गया है, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। तो ऊपर हमारी हैंस भी बहुत ज़्यादा है, वो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये देखें ये हमारे बटेरे साहब, छोटे छोटे से बटेरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये भी आ रहे हैं दाना खाने के लिए, दाना लाना मज़ा इसमें। ये लो ये देखो ये सारा दाना ख़त्म हो गया, ये भूखे हो रहे हैं दाना खाने हैं छोटे। और ये देखो ये स्पैरो, ये तो बहुत शोर करती है, ये है वो तीन स्पैरो बैठे हुए हैं, आपको जू करके दिखाती हूँ। वो देखो और ये वाइट वाली अपने वाइट घर के ऊपर बैठी हुई है, ये देखें। और वो देखें पैरेट भी बैठे हुए हैं और ये डब भी रखे हुए। ये लो आ जाओ ये देखो ऐसे, ये देखो कोई सारे जो बर्ड्स हैं सारे हाथों पे ऐसे शौक से खाते हैं, ये देखो ये पंजे ऐसे लगा रहे हाथ के। तो ये हमने अपने पेड़े भी रेडी कर लिए आटा गूंद के, और ये फातिमा उठा के पर गई है, मसाला भी तैयार हो गया और ठंडा हो गया। हाँ इसको उधर रख दो, इसके ऊपर नहीं रखना, अब ये गंदा हो गया, उधर रख दो बेटे। तो अब हम शुरू करते हैं। हाँ बेटी एक मिनट तो ये मैंने ऐसे रोटी बना लिया और ये मसाला भी ठंडा हो गया, ऐसे ही हम खुश्क हो जाता है फिर रोटी से नहीं बाहर आता। तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा फैलाएँगे, इसको थोड़ा सा आराम आराम से इसको देख के फिर हम इसको डालेंगे। और इस तरह आप रोटी बना के रोटी बनाए इतने मज़े की बनती है, तो थोड़ा सा घी डाल के हमारी कैट्स को आज दुआ फातिमा ने कहाँ बांध के रखा हुआ है रुपाई के साथ। वो खुद अपना काम कर कर चली गई ऊपर और इस बेचारे को बांध दी। दुआ फातिमा कैट्स भी देख रही है कि मुझे भी कुछ मिल जाए खाने के लिए। कैट्स आपको भी देखती हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो मेरी, जो भी देखते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। देखें इतनी मेहनत होती है, ये छोटे छोटे काम ही इंसान को इतना थका देते हैं, तो आप सब्सक्राइब किया करें, फिर वीडियो बनाने में भी इतना टाइम लग जाता है जी। अच्छा तो नीचे आओ, वो देखो वो कैट्स को खोल दे, वो बेचारी कैसे तंग होकर बैठ गया था मेरी बेटी, उसको खोल दे वो नीचे चल जाएगी। आ जाओ उसको खोल दे, नीचे और जाती है।
नहीं बोलती बेटी, वो नहीं जाती और मुझे तंग करती है। नहीं तंग करती है, वो देख ना वो कैसे देख रही है, वो ऊपर से इसलिए भाग जाती है, ये प्रिंसों से डरती है ना इसलिए भाग जाती है। ठीक है तो आप इसको तो अब हम दूसरी की तैयारी कर रहे हैं, एक हमारी रेडी हो गई है।